अरे उसका कमर तोड़ेगा क्या रे भाई, ओए आराम से डाल आराम से यार। ये तो टॉयलेट में घुस चुका है फरहा वरा लेके, साइकिल लेके कहाँ चढ़ेगा रे भाई, मत चढ़। जैन दोस्तों के हालचाल है आप सभी के, मेरा नाम है अजीत सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूँ इस दिल्ली का आनंद विहार रेलवे स्टेशन से। और आप सभी के ले जाऊंगा लीचियों के शहर यानी मुजफ्फरपुर में, क्योंकि जो आज अपनी ट्रेन जर्नी होने वाली है वो होने वाली है 12558 यानी आनंद विहार से चलने वाली मुजफ्फरपुर तक पहुँचने वाली शपथ क्रांति एक्सप्रेस में, जो कि रोजाना हफ्ते के सातों दिन चलती है। और बात ऐसी है ना कि इस ट्रेन जर्नी में कुछ अलग ही और एक अलग ही अनोखा मजा आने वाला है। बात ऐसी है पहली कि आपकी डिमांड है, दूसरी बात यह है कि बताता हूँ पहले इस आनंद विहार के एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आने के बाद अपनी ट्रेन। और भाई साहब आ चुकी है अपनी ट्रेन और देख सकते हो भाई अभी से घुसना चालू हो चुका है, ना गेट का चिंता ना खिड़की का। भाई अब घुसते घुसते पता नहीं कितने लोगों का क्या होने वाला नहीं पता, खिड़की से दरवाजे से जहाँ से मन कर रहा है लोग वहाँ घुस रहे और बात कर रहा है इस ट्रेन की। तो ये ट्रेन भैया हफ्ते के सातों दिन चलती है इस आनंद विहार से दोपहर 2:50 पर, ठीक है। हम लोग अगले दिन यानी 1060 किलोमीटर के लगभग दूरी तय करने के बाद पहुंच जाएंगे मुजफ्फरपुर 12:15 पर। बात ऐसी है ना कि समझ चुके हैं आपका भाई का जर्नी जनरल में होने वाला, जनरल में आप सभी की इतनी डिमांड आ रही है कि आपका भाई रुक नहीं पा रहा है। बात ऐसी है ना कि भाई मैं भीड़ ही देख के मैं तो चौंक चुका हूँ, लेकिन मौसम अच्छा है, अंदर घुस के पहले सामान रखते अपने सीट पर, सीट भाई का कन्फर्म है आपका, चले भाई साहब। ये तो अरे उसका कमर तोड़ेगा क्या रे भाई, ओए आराम से डाल आराम से यार, पीछे से कमर तोड़ देगा पूरा उसका। अबे अरे सामान है एक एक करके डाल लो, एक एक करके डालो, तुम्हारा पंखा टूट जाएगा इधर ही रह जाएगा, डाल लिया तुमने पंखा। सामानवा लेके पहले पहले अंदर घुस जाइए, फिर बाद में यहाँ पे देख लीजिएगा, पहले एक एक सामान अंदर लेके जाइए। यहाँ पे रखवा दूँ क्या, बोलिए नहीं तो रखवा देंगे, झूठ मूठ का पानी वानी पड़ रहा, अंदर घुसने दीजिए पहले। तो चलिए हिम्मत बना के घुस ही जाते हैं जनरल क्लासवा में। और बात ऐसा है ना भाई साहब, भीड़ इतना ज़्यादा है कि हमने सामान यहाँ रख दिया और ऊपर वाला यार गायब भी कर दिया, मतलब जो भी बैठने वाले थे वेटिंग वाले अब तो वो भी नहीं बैठ सकते, वो भी उनको खड़ा रहना पड़ेगा। बाकी ऊपर हम बात करते हैं, स्थिति बड़ा दयनीय लग रहा है, कुछ कहा नहीं जा सकता जो भी होगा, क्योंकि भाई जब तक ऊपर वाला रहता है ना तो लोगों को सुविधा होती है, लेकिन कोई बात नहीं जैसा भी होगा जर्नी में तो मज़ा आएगा ही। खुलने दीजिए अपनी ट्रेन। चलिए दोस्तों ट्रेन अपनी निकल चुके अपनी भीड़ भाड़ के साथ अपने इस आनंद विहार रेलवे स्टेशन से भाई 5:35 पर। आप सोच रहे होंगे कि आपने बोला 2:50 पर ट्रेन निकलती तो भाई ऐसा लेट क्यों। बात यह है ना कि आप सभी देख रहे हो अपने देश में क्या चल रहा है, अग्निवीर अग्निपथ के कारण जो अपने रेल जो अपने जवान है देश के जो अपने सारे भाई लोग हैं भाई प्रदर्शन कर रहे हो, लेकिन अभी तक आपने देखा विक्रमशिला फरक्का और अपनी इस संपन्न क्रांति को भी भाई जलाया जा चुका है, इसी कारण सारी की सारी ट्रेनें लेटे हो रही है। वैसे बात कर रहे हो तो ओवरऑल कि भाई जर्नी कैसी कटने वाली थी, जर्नी में मजा आएगा क्योंकि कल हम भी लेट पहुंचेंगे। और बात यह है ना कि भीड़ के कारण क्या हालत होने तो देखना है। और आप सभी ने अगर हमारे को पहली बार देखा तो भैया वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब करके इस बारिश के साथ साथ जर्नी को एंजॉय करने के लिए बेल आइकन का घंटी दबा के हमारे साथ जुड़ जाएगा। चलिए जर्नी को स्टार्ट करते हैं एक मुस्कुराहट के साथ, तो मुस्कुराइए यार क्योंकि मुस्कुराने में ही तो जिंदगी है, क्योंकि बारिश अलग ही मजा दे रहा है अपना। बोलिए बताओ कैमरा वा भैया, अरे भैया एक कैमरा तो छोड़िए आप मस्त आइए, कहाँ अलग मिलेगा है ना भैया, अलग मिलेगा इससे कम से कम चलेगा भैया, जब पसीने समझेगा हमको मस्त आएगा, ठीक है क्या हुआ आपको। तो चलिए दोस्तों हम और हमारी ट्रेन दोनों पहुंच चुके हैं, देख सकते भाई लेट लेफ्ट ही पे आनी, हम लोग पूरे के पूरे 4.5 घंटे लेट चल रहे फिलहाल में, लेट तो हम लोग शुरू से चल रहे हैं। और बात ऐसे ना कि हम लोग पहुंच चुके हैं बिरयानी के शहर यानी मुरादाबाद में, जी हाँ वही जहाँ पे अपने चिकन बिरयानी नहीं खाया ना तो कभी खाइएगा ज़रूर। और बात कर रहे हैं वैसे इस मुरादाबाद रेलवे स्टेशन की, स्टेशन कोड MB नंबर प्लेटफॉर्म 7 और यहाँ से 22 ट्रेन थे, डेली 206 ट्रेनों का अच्छा खासा हॉल्ट है, नॉर्दर्न रेलवे जोन का अपने मुरादाबाद डिवीजन में आती है। और बात ऐसी ना कि जर्नी जब टाइम पे नहीं चलती और जिस हिसाब से हमने सोचा था उस हिसाब से नहीं होता ना, क्योंकि देखो अभी पूरे 10 बजने ही वाले हैं भाई साहब, बताइए 10 बजे केवल एक हॉल्ट हमने कवर किया, अब अपना निकल जाएगा जो भी आने वाला था लखनऊ, कोई बात नहीं लखनऊ तो निकल जाएगा, लेकिन सुबह में
गोरखपुर से कंटिन्यूस एकदम जितने भी हॉल्ट्स आने वाले हैं गोरखपुर से लेकर मुजफ्फरपुर तक वो कवर हो जाएंगे। बाकी ओवरऑल बात करना जर्नी की तो अभी ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन आप सभी ने मुरादाबादी बिरयानी नहीं खाई है ना भाई साहब, क्या लेग पीस वाली बिरयानी होती है। अब भेज के लिए तो पता है भेज वाले नाराज ना हो, मुरादाबादी आप दाल ट्राई कर सकते हैं, अच्छा खासा टाइम मिल जाता है रुकने के लिए, तो आप कुछ फल और ले सकते हैं यहाँ पे खाने के लिए, लेकिन तले हुए चीज़ें यहाँ की ना ही ले तो अच्छी है। तो चलिए जी भाई साहब निकल चुके देख सकते हो मुरादाबाद से, और बात ऐसा ना कि भीड़ ट्रेनों में काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो ना अक्क चल रहा है ना वक्त चल रहा है, दिमाग में कुछ समझ नहीं आवत है। तो भाई साहब इससे बढ़िया खाना बैठ के हम लोग खा लेते हैं, बाकी तो देखते हैं लखनऊ का क्या चांस बनने वाला है, बस निकालो यार खाना अब। तो चलिए दोस्तों ट्रेन अपनी पहुंच चुके देख सकते हो गोरखपुर, और गोरखपुर में भाई जितना लोग उतरे नहीं है ना उससे ज़्यादा लोग पता नहीं नए नए कहाँ से चढ़ने वाले आ गए हैं। और बात ऐसे है ना कि तो जनरल में कुछ कमी दिख रहे हैं, लेकिन स्लीपर में सब साइकिल सुइकिल वाला भैया सब चढ़ेगा। वैसे अगर बात करूँ तो इधर का लैटरिन तक फुल है, लैटरिन वैटरिन में भी भैया लोग चढ़ गया, बाकी तो ये लोग कहाँ जाएगा अब तो देखना। ये वैसे अगर बात करें इस गोरखपुर रेलवे स्टेशन कोड GKP नंबर पर हम 10, और यहाँ से पूरे के पूरे 61 ट्रेन और 0-62 ट्रेन में करते हैं डेली, पता है कितना हॉल्ट है एकदम राउंड फिगर में पूरे के पूरे 100 ट्रेनें आके रुकते हैं इस रेलवे स्टेशन में। बात ऐसा है ना कि सुबह सुबह इतना भाई पहले तो अपनी 4.5 घंटे ट्रेन लेट है, और साथ में ही साइकिल लेकर चले जाओगे अंदर कहाँ तक जाइएगा कहाँ लेके जा पाइएगा, नहीं जा पाए बस पकड़िए इस साइकिल सीकिल लेके, मुझे तो नहीं संभव लगता जिसमें भैया जा पाएंगे। लेकिन बात ऐसा है ना अच्छा था 10 मिनट और था तो सभी लोग चढ़ गए उतर गए, और बाकी ट्रेन का उधर से हॉर्न हो रहा है। बात ऐसी निकलते हैं नहीं तो लोग चढ़ने नहीं देंगे भाई साहब। अरे साइकिल लेके कहाँ चढ़ेगा रे भाई, मत चढ़ चढ़ ही नहीं पाएगा तो फायदा क्या है, कहाँ घुसेगा, वो लोग घुसने का जगह ही नहीं है। क्या सुनो थोड़ा अंदर जाए बाहर चले जाओ यार, कम से कम बाहर आ जाए, तू तो मरा चला मरते गेट पे ना रहो बाप। अरे यार तुम भी ऐसी बातें कर रहे हो, कम से कम गेट पे ही तो रहिएगा आप, मतलब चले जा रहे थे इनको मतलब घुसने में दिक्कत हो रहा है आपको, रहना गेट पे टेंशन क्या है, घुस जाने दो अब देखो आराम से घुस रहे हैं गेट पर, फिर खड़े जाइए कौन नहीं खड़े उन्हें देखा। तो चलिए दोस्तों ट्रेन अपनी गोरखपुर में अच्छा खासा 10 मिनट हॉल्ट ले लेंगे पास, हम और हमारे ही सारे बड़े भाई लोग निकल चुके हैं, और ये तो टॉयलेट में घुस चुका है फराहा वराह लेके, और इसी में बनाइएगा क्या टॉयलेट में। वैसे बात करना भाई साहब तो दिल्ली से इतना अच्छा खासा भीड़ नहीं आ रहा था, लेकिन गोरखपुर के सारे भैया लोग जितने उनको आगे पीछे जा रहा है वो सभी लोग चढ़ चुके, और भीड़ काफ़ी कच्चा कच हो गया, ऐसा लग रहा है कि जैसे आगे मुजफ्फरपुर में लीची बटा रहा होगा फ्री में, इसीलिए चला भैया मुजफ्फरपुर सभी को ले चले। चलिए बाकी तो अब लोगों का क्या कहना है और लोगों की बात है, क्योंकि ट्रेन हो चुकी है 4.5 घंटे लेट, अब जो भी होगा तो देखना ही है। अब बात ये है ना कि लोग बस शांत रह जाए इसी की कामना करता हूँ भाई साहब, क्योंकि भीड़ में जब लोगों का दिमाग ख़राब हो जाता है तो अपने आप में भीड़ जाते हैं। चलिए दोस्तों ट्रेन अपनी देख सकते हो पहुंच चुकी है बगहा, बगहा सोच रहे हो जंगल में कहाँ दिखा रहा हूँ भाई, बगहा देखो बगहा का बोर्ड वहाँ पर लगा है। और बात ऐसा आना कि पीछे आपने फोर्स बहुत देखा होगा, और प्लेटफॉर्म ही छोटा है कि अपनी ट्रेन काफ़ी आगे निकल जा रही है। और बात करो इस बगहा की तो हर जगह आपको यहाँ पे बगहा के अंदर घुसते ही बगहा स्टेशन पे, बगहा के उस साइड में मतलब बिहार में घुस गए, और जितने भी स्टेशन से यहाँ पे पहली बात तो सबका नेट ख़त्म हो गया है, नेट पे पूरा बैन है, और हर जगह फोर्स लगी पड़ी क्योंकि जानते हैं भैया अग्निपथ वीर अग्निपथ जो भी हैं उसके लिए लोग भाई साहब सभी लोग कोशिश कर रहे हैं कि हट जाए, और जो पहले तरीके से लागी थी जो अपने आर्मी की बहाली आती थी वैसे आई। लेकिन बात करो इस बगहा रेलवे स्टेशन की तो काफ़ी लोग अच्छा खासा उतरे हैं, और इस बगहा स्टेशन की बात करते हैं स्टेशन में BUG नंबर प्लेटफॉर्म के छोटा सा दो जिसके कारण हम लोग इतने आगे आकर रुके हैं। 37 ट्रेन को ओरिजिनेट होती है ईस्ट सेंट्रल रीजन का अपने समस्तीपुर डिवीजन में आ चुके हैं, काफ़ी छोटा सा दो हॉल्ट है, लेकिन बात यही है ना कि भाई फोर्स देख के
पता चल रहा है कि चार चार घंटे, अभी फिलहाल में हम लोगों की ट्रेन 5 घंटे से ज़्यादा लेट हो चुकी है। अभी 1 घंटे तक पीछे ही बगहा एंटर करने से पहले रोका था। चलिए खुल चुके हैं, चल। लेकिन बात करें बगहा वालों से, शिकायत हमेशा रहेगा कुछ खाने पीने लेके आया करो। अपने लोग बगहा में होकर भी क्या फ़ायदा, जब कुछ लाते ही नहीं है भाई साहब, खाली वीडियो देखोगे तो काम चलेगा। खाने पीने लेके आया करो। नरकटिया गंज 1996 के माननीय तो चलिए दोस्तों ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है अपने ट्रेन के एक और हॉल्ट। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे मेरे पीछे इतने सारे जो आदमी है, ये भाई साहब बाकी सारे लोग, ये यहाँ उतर क्यों रहे हैं और बाकी ट्रेन खाली क्यों जा रहा है। बात ये है ना भाई साहब कि जो अपनी ट्रेन है उसका रूट पूरा का पूरा डाइवर्ट हो चुका है, क्योंकि देख रहे हैं आप हर जगह प्रशासन है, हर जगह विरोध हो रहा है, हर जगह प्रदर्शन चल रहा है। इसके कारण भैया जिधर प्रदर्शन नहीं चल रहा है रूट चेंज करके जाने वाला, लेकिन हम लोग जाएंगे रक्सौल मोतिहारी के तरफ से अपना मुजफ्फरपुर। बात यह है ना कि काफ़ी लोगों का भाई जो भी प्लान था आगे का वो टूटे जा रहा है, हम लोगों का भी आगे का भाई ये प्लान काफ़ी सारा टूट ही चुका है समझेंगे तो, क्योंकि रूट सारी कैंसिल। वैसे बात करें तो हमारा आज को नरकटियागंज जंक्शन रेलवे स्टेशन, वैसे बात करें इस नरकटियागंज की तो भैया केवल अच्छा खासा 6 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, 13 ट्रेन ओरिजिनेट और 10 इंटरमीडिएट होती है, डेली 63 ट्रेनों का हॉल्ट अच्छा खासा है। लेकिन दुख इस बात का हो रहा है ना कि भाई जो भी अपने को पैसेंजर थे, जो भी मोतिहारी में या आगे चल के बेतिया में उतरने वाले थे, उन सभी लोगों को बस से जाना पड़ेगा यहाँ से। अब कुछ नहीं किया जा सकता। चलिए यहाँ भी कम से कम अब आधा घंटा से ज़्यादा ट्रेन रुकने, आधा 1 घंटा अब हम निकलेंगे फिर कहाँ से, कि अब ये सब देख देख के ना सोच सोच के सर दर्द पहले ही करने लगा है, ना ही कुछ खाया है ना ही कुछ पिया है। लेकिन इस कैंटीन में खाना बनना है, देख रहे हैं उसी से मांगेंगे। बाकी चलते भाई साहब, जो हालात है समझ सकते हो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुका है। चलिए दोस्तों ट्रेन देख सकते हैं अपनी पहुंच चुके किसी अनजान स्टेशन पे, यानी अब लोग हम ही फिलहाल है भाई साहब रक्सौल में। और बात ऐसी है ना कि रक्सौल में एसी वाले में मतलब फर्स्ट क्लास एसी से वेकअप हो चुका है भाई, फर्स्ट क्लास वाले भी वेकअप मारते हैं। और बात यह है ना कि बोरिया बिस्तर लेके आप सभी देख रहे होंगे कि मैं तैयार हो गया इस रक्सौल स्टेशन, पता है क्यों, क्योंकि दादा एक तो रूट डाइवर्ट हो गया, अब मुजफ्फरपुर जाने में कितना समय लगाएगा कोई पता नहीं है। लेकिन जो मुझे हमें लोग को यहाँ से एक दूसरी गाड़ी है जो कि रक्सौल से खुलने वाली, लेकिन हम मुजफ्फरपुर में बोर्ड करते हैं तो अच्छा होगा कि रक्सौल में हम लोग बोर्ड कर लेंगे और आराम से रक्सौल में उतर जाएंगे। तो वैसे अगर बात करूँ ओवरऑल जर्नी की तो बहुत ही हैक्टिक यानी थका देने वाला था भाई साहब, कहे से कि इतने जगह पर ट्रेन रोकना, इतने जगह बकवास, इतने जगह हर जगह। लेकिन क्या कीजिएगा, प्रदर्शन है होते रहता है, ये अपना देश है भाई साहब, अब सबका हक है तो सब करेंगे। ओवरऑल बात करना जर्नी की तो ठीक ठाक थी, लेकिन उतना भी मज़ा नहीं आया जिस हिसाब से हमने प्लान किया था, कोई ना कि स्टेशन कवर किया ना ही कुछ किया। बाकी ओवरऑल तो ठीक ही ठाक है, लेकिन आप सभी को फिर से इस रक्सौल से जर्नी कराएंगे। अब देखो कहाँ तक, गेस कीजिए कहाँ ले जाने वाले हैं। लेकिन फिर मिलेंगे नेक्स्ट जर्नी में नेक्स्ट ट्रेन के साथ किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए जय हिंद। हाँ, हमेशा मुस्कुराते रहिए हमारे साथ और इन सभी के साथ। दांत टूटा है रे तेरा, जुड़वा ले। चलिए चलते हैं। और चलिए जी बात देखो ऐसा है भाई साहब, दोबारा मिलने का है कारण कि भाई साहब पूरे यहाँ पे धारा 144 लागू, पूरा ना ट्रेन ना आएगी ना जाएगी करीबन 2 से 3 दिन। आज 18 तारीख है, शायद 19, 20, 21 भी ना जाए। अब देखो कितना दिन बाद आती है, कितना दिन बाद फंसते हैं। मुजफ्फरपुर पहुँच जाना चाहिए था, गलती कर दिया भाई साहब, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। फिर मिलते हैं एक दुख भरी कहानी को छोड़ के एक नई ट्रेन जाने के साथ। जब तक के लिए जय हिंद। पूरी तरीके से कट गया है भाई।